नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। यूपी की सत्ता में योगी आदित्यनाथ की वापसी और उसके बाद सभी अधिकारियों को योगी आदित्यनाथ का फरमान ये दर्शाता है कि यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर एक छोटी सी चूक भी योगी सरकार को बर्दाश्त नहीं। योगी आदित्यनाथ दोहरी ताकत के साथ अपने दूसरे कार्यकाल में बचे कामों को पूरा करने में लग गए और कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को पहले ही चेतावनी दे डाली कि अपराधी अपराध छोड़ दें या फिर राज्य छोड़ दें। अपराधियों पर योगी की नकेल का ही नतीजा है कि रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर जब देश के कई हिस्सों में दंगा और हिंसक झड़प देखी गई, वहीं योगी के यूपी में कानून का राज दिखा। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी, 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है, 800 स्थानों पर रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तूतू मैं में नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर यह साबित किया है। वही हनुमान जयंती पर दिल्ली में माहौल जिस प्रकार से गरमाया हुआ है उसकी गूंज अभी तक जारी। ऐसे में योगी सरकार ने हाल में होने वाले पर्वों को लेकर अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया और योगी आदित्यनाथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने वाले। इसीलिए सभी पुलिस अधिकारियों को अपनी छुट्टियों को रद्द कर ड्यूटी पर वापस लौटने का फरमान जारी कर दिया। सरकार आने वाले पर्व त्योहार के मौसम में प्रदेश की कानून व्यवस्था को चौकस रखना चाहती है। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए कड़े फैसले लेने में कोई देर नहीं लगाई। सीएम ने साफ कर दिया है कि अजान की आवाज मस्जिद परिसर में ही रहनी चाहिए। उन्होंने सड़कों पर किसी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन न करने का आदेश जारी किया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से अजान बनाम हनुमान चालीसा का मुद्दा उठा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर पर अजान दिए जाने के दौरान हनुमान चालीसा बजाए जाने की घोषणा की। इसको लेकर एक तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में भी बनाया जा रहा था। इससे पहले कि मुद्दा भड़कता, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान देकर इस मुद्दे पर सरकार की स्थिति साफ कर दी। संवेदनशील इलाकों में शाम को फुट पेट्रोलिंग पर जोर दिया गया। आपको बता दें कि अभी रमजान का पाक महीना चल रहा है, इसके बाद ईद और अक्षय तृतीया जैसे त्योहार आने वाले। इन त्योहारों के मौके पर सड़कों पर बड़ी चहल पहल होती। दोनों पर्व 3 मई को संभावित है। इस दौरान किसी भी तरह के नकारात्मक हालात ना पैदा हो, इसको लेकर खास तौर पर कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। करीब 2 सप्ताह पहले से ही यूपी सरकार इसकी तैयारी में जुट गई। योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था की समीक्षा की। सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने के निर्देश दिए। योगी ने साफ किया है कि प्रदेश में सौहार्द, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अव्यवस्था और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। थानाध्यक्ष से लेकर एडीजी तक को अगले 24 घंटे के भीतर अपने अपने क्षेत्र के धर्मगुरुओं और समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ संवाद बनाए जाने के भी आदेश दिए। तो इस तरह से योगी अपराधियों के खिलाफ फुल मूड में दिख रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को बिल्कुल अलर्ट रहने को कह दिया कि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त न करने की चेतावनी। योगी के इस कड़क रुख पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।